महाशिवरात्रि, देवों के देव महादेव। कुछ लोग शिव की गणना तीनों देवों में करते हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश। कुछ लोग इसको अलग कर देते हैं। कुछ लोगों में ये भ्रांति है कि महेश ही शिव है और शिव ही शंकर। ये बहुत गहरा भेद है, क्योंकि जब शिव प्रकट हुए अग्नि ज्योतिर्लिंग के रूप में, आप सब जानते हैं, जब ब्रह्मा विष्णु का खेल शुरू हुआ कि अपने आप को दोनों श्रेष्ठ बताने लगे, तब शिव प्रकट हुए। और वो जो ताकत है, जो एनर्जी है, आप सोचो कि ब्रह्मा और विष्णु जिसका अंत नहीं ढूंढ सकते, वो कितनी ताकत हो। वो इन तीनों का पिता है, तीनों को उत्पन्न करने वाला है। वो शक्ति इस 21 ब्रह्मांड से आगे जब हम कदम रखेंगे, सबसे पहले हमें शिव ही मिलेंगे। और शिव की जो मुद्रा शांत आपको नजर आती है, वो ज्ञानमय है। आपने कभी सुना है कि शंकर लिंग होगा, महेश लिंग होगा? नहीं सुना होगा, या महेशालय सुना हो आपने? नहीं सुना होगा। शिवालय बोलते हैं, शिव बोलते हैं, शिवलिंग बोलते हैं, क्योंकि वो उससे आगे की शक्ति है तीनों देवताओं से। बहुत ताकतवर है। फिर उनके अपनी ताकत को उन्होंने संसार में उस अग्नि लिंग के साथ साथ, ताकि साधारण लोग भी तपस्या कर सकें, क्योंकि अग्नि लिंग दिव्य नेत्र से देखा जा सकता है, इन चरम चक्षुओं से नहीं। लेकिन जो लिंग के रूप में स्थापना हुई, समझो मूर्ति के रूप में जो स्थापना हुई, क्योंकि वो भी एक मूर्ति ही है, वो एनर्जी के रूप में स्थापना हुई ताकि लोग ध्यान कर सकें उसका, ताकि जो साधारण लोग हैं वो समझ सकें उसको, ताकि स्वरूप का ध्यान हो सके। आपने कभी अनुभव किया कि आपके शरीर में भी 125,000 शिवलिंग हैं, रोम रोम के अंदर? अनुभव करके देखो, खोज करके देखो। जब तक ये 125,000 शिवलिंग जागृत नहीं होंगे, आपको ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता। कुछ लोग कह देते हैं शिव तो कुछ भी नहीं है, वो लोग मूर्ख हैं और आपको भी मूर्ख बना रहे हैं। शिव वो तत्व है जो 21 ब्रह्मांड से परे जब हम कदम रखते हैं, जब हम चलते हैं, सबसे पहले जो लोक होता है वो शिव लोक होता है, और वहाँ हमें चलना है, वहाँ आगे बढ़ना है। और जब आपको वहाँ दर्शन होंगे महाशिवरात्रि,
ये साधारण चीजें तो आप सब लोग जानते हैं। शिव ने वैराग्य का त्याग करके शक्ति को धारण किया। शिव को जो रात्रि था, शीतलता का अनुभव हुआ। बहुत उदाहरण आप लोगों के सामने मिल जाएंगे, आप लोग जानते भी होंगे कि विष पी लिया, और भी बहुत कथाएं संसार के अंदर प्रचलित हैं और होती ही रहेंगी। लेकिन जो शिव तत्व है, इसका अनुभव करना हर किसी के बस की बात नहीं है। शिव को समझ पाना, क्योंकि अध्यात्म में शिव तक पहुंचना, समझो आपने उस मार्ग में बहुत चढ़ाई कर ली है, और जो आगे की चढ़ाई होगी वो मार्ग शिव ही देंगे। शिव के लोक के बिना आगे के लोकों में नहीं जा सकते आप। शिव लोक से हो करके ही आपको आगे जाना होगा। आप कितना भी प्रयास कर लें कि मैं शिव से बच जाऊंगा, इधर उधर से निकल जाऊंगा, नहीं हो सकता। आपको गुजरना ही पड़ेगा उसके अंदर से, और जब तक शिव की इच्छा नहीं होगी, शिव की मर्जी नहीं होगी, आपके पास वो पात्रता नहीं होगी, पूर्ण गुरु का हाथ नहीं होगा, आपके पास वो सामर्थ्य नहीं होगा, शिव आगे नहीं बढ़ने देंगे। क्योंकि शिव के सामने नजरों में नजरें मिलाए बिना वो द्वार ही नहीं खुलता। त्रिवेणी के मध्य में नील बिंदु जो सार, महाकाल का रूप है कोई कोई करता पार। तो जितने भी आपको ये योगी नजर आएंगे, जितने सिद्ध नजर आएंगे, जितने आपको, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि किसी को कुछ अवतारों की अगर कलाएं भी एकाध कला प्राप्त हुई है, वो भी वहां द्वार पर हमने पड़े देखे हैं। आप सोचिए, विचार कीजिए कि वहां कौन कौन रोक लिया गया होगा। अरबों की संख्या में भीड़ वहां रोक ली गई है, आगे नहीं जाने दिया जाता। जो ये कहते हैं, हाँ मैंने 21 ब्रह्मांड को पार कर लिया, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे की स्थिति को जानता हूँ, वो समझो शिव के द्वार के ऊपर पड़ा है, वहाँ से आगे नहीं चढ़ाई हुई। वहाँ से आगे चढ़ाई शिव और गुरु की इच्छा से ही होती है। पूर्ण गुरु और शिव की कृपा, और जहाँ पहुँचना है उसकी इच्छा, उसके बिना नहीं हो सकता। आप चाहे कितना भी भाग लें, कितना भी दौड़ लें, कुछ भी नाम दे दें उनको, लेकिन वो जो ताकत है, जो एनर्जी है, वो आपकी जो अज्ञान रूपी रात्रि है, मोह रूपी रात्रि है, क्रोध रूपी रात्रि है, विषय वासनाओं रूपी रात्रि है, उसका अंत करने वाला है शिव। शिव को समझना, शिव को अनुभव करना, शिव को जागृत करना। जब आप अपने शरीर को देखोगे, कोई भी शरीर में कोना नहीं है। सिर को देखो, हाथों को देखो, मुट्ठी बंद करो तब देखो, खोलो तब देखो। जब एहसास करोगे पैर से लेकर के और ऊपर तक, आपको एक एक लिंग नजर आने लगेगा पूरे शरीर के अंदर। आप रोम को भी देखोगे वहां भी, आप रोम छिद्र को देखोगे वहां भी,
कितना गहरा है ये 125,000 शिवलिंग। ये थोड़ा देर लगेगी आपको समझने में बात, लेकिन जब आप समझ लोगे तो शिव का महत्व जान लोगे। शिव केवल ये नहीं है कि शमशानों में रहने वाला है, ये नहीं। शिव वो नहीं है कि केवल बर्फ के अंदर तपस्या में लीन है। शिव केवल वो नहीं है जो तंत्र को देखता है। शिव केवल अघोरियों के लिए नहीं है, शिव हम सब के लिए है। और शिव की साधना के बिना, शिव की आज्ञा के बिना उस लोक को पार नहीं किया जा सकता। जब आप उस लोक में पहुंचोगे तो आपको एहसास होगा कि कितनी ताकत है वो, कितना तेज छिटक रहा है, कितना तेज बिखर रहा है, कितना प्रकाश है वहाँ। जब आप शिव की परिक्रमा लगा करके आगे बढ़ोगे तभी आपका द्वार खुलेगा, तभी आपको रास्ता मिलेगा। ये बहुत गहरे भेद की बातें हैं। जब आप साधना करोगे, या जिसने साधना की है, या जो सिद्ध हो गए हैं, या जिन्होंने प्राप्ति की है, या जो इस मार्ग से चल करके गए हैं, या जिन्होंने उस शिव से आगे बढ़ करके और लोगों की यात्रा की है, वो जानते हैं शिव का महत्व। क्योंकि शिव लोक में जब आप देखोगे सब कुछ अलग ही है। प्रत्येक लोक का अपना महत्व है, लेकिन उन सब लोकों में भी शिव लोक का महत्व है। क्योंकि शिव आपको रूखे सूखे नजर आएंगे, जटाएं, त्रिशूल, हथियार, वहां शिव के जा करके आप नाद सुनोगे। क्या आपको पता प्रत्येक लोक के अंदर अलग अलग नाद बजते हैं? तो जब शिव लोक का नाद बजेगा, आत्माएं नृत्य करने लगती हैं, अपने आप ही नृत्य होने लगता है, सब आत्माएं शिव का रूप हो जाती हैं। सब ये भी नहीं पता चलता शिव कौन है, आत्मा कौन है, सब एक समान हो जाता है, सब एक जैसे लगते हैं, बिल्कुल अलग तरह का खेल है वहां। ये अनुभव की बातें हैं, मेरे कहने बोलने और आपके समझने की बात नहीं है, ये अंदर की बात है, ये अंदर का खेल है। तो जो आपके अंदर महाशिवरात्रि का पर्व चल रहा है, जो अंदर में खेल चल रहा है, आप उसे अनुभव करें। और जब आप उसको अनुभव करेंगे तभी ये आत्मा आपकी शांत होगी और आगे के मार्ग पर चलने के लिए तैयार होगी। कोशिश करें जितना हो सकता है। ये साधारण जो आपको सुना दिए गई चीजें, शिव की शादी हुई थी, ये छोटी छोटी चीजें जोड़ दी गई हैं, लेकिन जो वो महान कारण जिसके कारण से ये सब रचना हुई, जिसके कारण से प्रलय हुआ, जिसके कारण से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण से 21 ब्रह्मांड बनाए गए, इन सब का पिता शिव है। और शिव और शक्ति से ही सब कुछ रचना हुई, वहीं से खेल प्रारंभ हुआ, वहीं से शुरुआत हुई। वो नींव है और वहां से ही हम आगे जाना है। कहां जाना है आगे?
आगे उस पूर्ण पुरुष तक जाना है जिसका शिव भी ध्यान करते हैं। बहुत लोगों के मन में आज तक सवाल उठता है, जब भी हमारे हिंदू धर्म में किसी की समझ बढ़ने लगती है या दो चार चीजें देखता है सीखता है, यही सवाल पैदा होता है कि शिव बड़ा है या विष्णु बड़ा है। पंडित लोग भरमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। जो शिव का आराधक है शिव को बड़ा बता देता है, विष्णु का आराधक है विष्णु को बड़ा बता देता है, लेकिन सार कोई समझा नहीं पाता क्योंकि अनुभव नहीं होता। एक ही तत्व बना देते हैं महेश और शिव को, लेकिन ये एक तत्व नहीं है, ये अलग अलग तत्व। तो अब तो सब कुछ आपके सामने साफ हो गया होगा। तो आप शिवरात्रि का जो दिन है, इस दिन अच्छी बात है, कुछ लोग शहद शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं, कुछ लोग दूध चढ़ाते हैं, कुछ लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं, अलग अलग प्रकार से कुछ गंगा जल चढ़ाते हैं श्रद्धा अनुसार। ये निमित्त मात्र है। आप शिव के ऊपर अपना मन चढ़ा दीजिए। जब शिव के ऊपर आप मन चढ़ा देंगे तो इन सब चीजों से श्रेष्ठ होगा। ये बाहरी साधनाएं हैं। एनर्जी वहां से ग्रहण करने के छोटे छोटे सोर्स हैं, रास्ते कि कुछ तो एनर्जी मिल जाए शिव को खुश करने के लिए। जब आप अपना शिव के ऊपर मन चढ़ा देंगे तो शिव की कृपा आपके ऊपर आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब मन ही अपना नहीं रहेगा वो ही शिव में हो जाएगा, फिर आपका अपना कुछ नहीं बचेगा, शिव आपको संभाल लेंगे। और जब शिव संभालेंगे तो वो आपके मात्र शरीर को नहीं संभालेंगे, वो आपकी आत्मा को संभालेंगे और आपके हृदय को संभालेंगे। जब हृदय के अंदर शिव को जगह देंगे आप, तो शिव के हृदय में भी आपका स्थान हो जाएगा, ये निश्चित है। लेकिन जब तक आपका समर्पण नहीं होगा शिव स्वीकार नहीं करेंगे, और जब तक शिव स्वीकार नहीं करेंगे वो पूर्ण परमात्मा स्वीकार नहीं करेगा। ये मत समझना कि शिव ने अगर स्वीकार नहीं किया तो वो स्वीकार कर लेगा, इतना आसान नहीं है। कौन संदेश लेकर के जाएगा उसके दरबार तक, वहां तक संदेश भेजना आसान नहीं होता। बोलना आसान है, बोल तो ऐसे देते हैं जैसे ये छोटे छोटे देवता। ये आप सोचो कि आपसे आपके घर के पितर तक नहीं संभल रहे तो शिव को कैसे ग्रहण करोगे। और शिव वो तत्व है, समर्पण के बिना खुश नहीं हो सकता, शिव सिर के बिना खुश नहीं हो सकता, क्योंकि शिव जब तक गर्दन नहीं चढ़ा दी जाती आगे नहीं बढ़ने देता। और पूर्ण गुरु की कृपा के बिना शिव के दरबार तक जाना लगभग असंभव है। वहां तक हम सोच सकते हैं कि वहां जाना चाहिए, जा नहीं सकते, क्योंकि ऊपर की मंजिल का मार्ग का भेदी होगा तभी आपको वहां लेकर के जाएगा। तो जो शिव रात्रि है आप आराधना कीजिए। ये नहीं कि शिव तो अघोरी है, शिव तो तंत्र का अधिष्ठा देव है, शिव तो तांत्रिकों के लिए है,
शिव तो मंत्र सिद्धि के लिए है। शिव अनेक रूपों में पूजा जाता है पूरे ब्रह्मांड के अंदर, केवल धरती के ऊपर नहीं, केवल भारत देश के अंदर नहीं, पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पत्थरों में, नदियों में, समुद्रों में, बर्फ में, आकाश में, देवलोकों में, जहां भी आप नजर दौड़ाओगे शिवलिंग में ही नजर आएगा सब कुछ। आकाश की ओर देखिए, ये भी आपको लिंग में नजर आएगा। हर चीज में जब आप देखोगे उसका रूप दिखाई देगा, उनका स्वरूप दिखाई देगा, तभी आप समझ पाओगे कि शिव क्या तत्व है। एक बार आपने शिव तत्व का जान लिया, नहीं कहूंगा मैं, अनुभव कर लिया कहूंगा, अनुभव हो गया, शिव की कृपा बरस गई, तो आगे कोई रास्ता नहीं रोकेगा। शिव का आशीर्वाद मिल गया, समझो दरवाजा खुल गया आगे का रास्ता। जब तक अगले लोक तक नहीं पहुंचते, बीच में कोई नहीं रोकेगा। लेकिन कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं कि ये निराकार है, वो फिर कभी आपको बताएंगे। आज तो आप शिवरात्रि का आनंद लें और ध्यान और शिव की तरह से समाधिस्थ हो जाएं, और जब शिव की तरह से समाधिस्थ हो जाएंगे तो शिव का रूप ही हो जाएंगे।